हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स के जून के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये जून के क्वेश्चंस का पार्ट टू है। पार्ट वन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहां से पार्ट वन की वीडियो देख सकते हैं। और जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। नई वीडियोज के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से आदेश जारी कर किसे चंडीगढ़ पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया है? तो इसमें आंसर आएगा आईपीएस अधिकारी संजय बेनीवाल को। बेनीवाल मौजूदा समय में स्पेशल पुलिस कमिश्नर है और स्पेशल यूनिट वुमेन और एयरपोर्ट का जिम्मा संभाल रहे हैं। और अब चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी तेजेंद्र लूथरा दिल्ली के डीजीपी के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार योजना चलाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 2017-18 के लिए प्रदेश निर्यातकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत 9 अलग अलग उद्योग श्रेणियों में 3-3 लाख रुपए के कुल 18 उत्कृष्ट निर्यातक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा, इस योजना का नाम है राज्य निर्यात पुरस्कार योजना। निर्यात इकाइया विभाग की वेबसाइट पर 15 अगस्त 2018 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर हरियाणा में कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो इसमें आंसर आएगा कुरुक्षेत्र में। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की तरफ से तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना कर दी गई है। इस मंदिर के निर्माण के लिए तमिलनाडु से 1500 टन विशेष पत्थर मंगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में 11 से 19 जून तक संपन्न हुई 5वीं विश्व बधिर कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो इसमें आंसर आएगा, अमित कृष्ण ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋतिक ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में और अजय कुमार ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए। यह पहली बार है कि भारत के किसी खिलाड़ी ने विश्व बधिर कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीता है। पदक विजेता खिलाड़ी हरियाणा वाणी एवं श्रवण निशक्त कल्याण समिति के विद्यार्थी है, जिसके राज्य में 8 केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना अधिसूचित की है, जिसके तहत सी और डी श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए कितने नए वन स्टॉप केंद्र शुरू किए गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद अब हरियाणा का कौन सा शहर तीसरा मेट्रो सिटी बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा बहादुरगढ़ शहर। बहादुरगढ़ हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है और पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में नॉर्थ एवेन्यू से मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन का शुभारंभ किया। मुंडका से बहादुरगढ़ इस ग्रीन लाइन ट्रैक पर 4 स्टेशन दिल्ली सेक्टर में बने हैं और जबकि 3 स्टेशन बहादुरगढ़ सेक्टर में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 4000 शहरों में 100 स्वच्छ शहरों की सूची में हरियाणा के कितने शहरों ने स्थान बनाया? तो इसमें आंसर आएगा 2 शहरों ने। इसमें करनाल 41 और रोहतक 89 स्थान पर रहा। घरोंडा को उत्तर भारत में नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराने के लिए आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा और ओवरऑल हरियाणा ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लेकर जागरूकता में हरियाणा आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा गांव देश में पहला ऐसा गांव बन गया है जिस गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से ऐसा प्रस्ताव पारित किया कि गांव की बेटियों को वहीं ब्याह किया जाएगा जिस घर में शौचालय होगा? तो इसमें आंसर आएगा सिरसा जिले का गांव गोदी का, और इसकी प्रेरणा गांव के सरपंच ने टॉयलेट एक परम कथा फिल्म से ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सभी राज्यों की पुलिस पर किए गए सर्वों में काम के मुताबिक देश में सबसे फास्टेस्ट पासपोर्ट की वेरिफिकेशन और फायर गेम्स में किस राज्य की पुलिस पहले नंबर पर आई है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा पुलिस राज्य की। कानूनन पुलिस को 30 दिन में पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करके भेजनी होती है, लेकिन हरियाणा की पुलिस महज 7 दिन से भी कम दिनों में वेरिफिकेशन करके भेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में मिसेज इंडिया इंडोनेशिया प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो इसमें आंसर आएगा करनाल शहर की अमिता शर्मा। यह प्रतियोगिता इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय मूल की शादीशुदा महिलाओं के लिए आयोजित की गई थी और अमिता लगभग 15 साल पहले इंडोनेशिया में जाकर बस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में 10 मीटर वुमेन एयर पिस्टल प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें आंसर आएगा मनु बाकर ने। मनु बाकर हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की रहने वाली है और मनु बाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डिंग मिस्टर वर्ल्ड का खिताब हरियाणा के किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो इसमें आंसर आएगा जगदीश सिरोहा ने। और जगदीश सिरोहा हरियाणा के सोनीपत के गांव राठदना के रहने वाले हैं और हरियाणा को पहली बार बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर वर्ल्ड का खिताब मिला है और चैंपियनशिप में करीब 56 देशों के 450 खिलाड़ियों से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह 21 जुलाई को हरियाणा के किस स्थान से पूरे देश में पुलिस कैडेट कोर की शुरुआत करेंगे? तो इसमें आंसर आएगा गुरुग्राम से। और इस कोर में योजना के तहत 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को शामिल कर उनमें राष्ट्रप्रेम की भावना को बढ़ावा देना है और इसके तहत हरियाणा में हर जिले के 5 स्कूलों में 50-50 बच्चों का चयन किया गया है जो NCC की तर्ज पर ही PCC यानी पुलिस कैडेट कोर की शुरुआत करेंगे। वहीं हर स्कूल में 2 पुलिस ट्रेनर भेजे जाएंगे जो परेड और फिजिकल फिटनेस की जानकारी देंगे। PCC में 2 सर्टिफिकेट होंगे, ए और बी। और हरियाणा सरकार ने ये फैसला भी किया है कि पुलिस कैडेट कोर से आने वाले छात्रों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरकारी दफ्तरों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्य सचिव के कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसमें आंसर आएगा सहकारिता और सतर्कता विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पेट्रोल पंप CNG साइटों को आवंटित करने के लिए ई नीलामी की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद के किस भाजपा नेता और 3 बार पूर्व सांसद का हाल ही में निधन हो गया? तो इसमें आंसर आएगा रामचंद्र बैंदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गांव को स्टार रैंकिंग दिए जाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य ने और यह 7-स्टार रेनबो योजना के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत 7 सामाजिक मानदंडों के हिसाब से उनको स्टार प्रोवाइड किए जाएंगे और सभी 7 स्टार प्राप्त करने वाले गांव रेनबो विलेज कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों से दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य के 3 जिलों से दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है और ये 3 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर। गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर से दिल्ली मेट्रो जुड़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो सेवा का लोकार्पण कब किया गया? तो इसमें आंसर आएगा 24 जून 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा योग आयोग का गठन करने की घोषणा हरियाणा राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा नीरज चोपड़ा
भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें आंसर आएगा सौरभ चौधरी ने। सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं और इन्होंने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 243.7 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया और यह प्रतियोगिता जर्मनी के सुहेल में चल रही है। और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन अनिस बानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा रानी रामपाल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सकें।